दोस्तों आपको जस्ट वार्न कर रहा हूँ, सुधर जाइए। सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ पूरा मानव जाति को। अगर आज भी हम लोग खुद को नहीं रेक्टिफाई कर रहे हैं, ट्रस्ट मी नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग को आंसर देना पड़ेगा, हम लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं जस्ट उन लोगों के लिए। गाइस लास्ट तीन से चार हफ्तों से अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट ये जल रहा है, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो दुनिया का 20% ऑक्सीजन का सोर्स है, इट इज जस्ट गोइंग टू बी फिनिश्ड। और सैटेलाइट से मिला पिक्चर से देखा गया है ऑलरेडी 15% अमेज़न रेन फॉरेस्ट जल चुका है, वो खत्म हो चुका है। इसको बोला जाता है दाबनल, हिंदी में दाबनल बोला जाता है, इंग्लिश में वाइल्ड फायर भी बोला जाता है। सो आप लोग सभी को तो पता है व्हाट इज अमेज़न। अमेज़न ब्राज़ील में एक विशाल एक जंगल है। अमेज़न के बारे में हम लोग बहुत मूवी में देखा है, हम लोग सीरियल में देखा है, गाना सुने हैं, स्टोरी पढ़े हैं, बट अमेज़न के बारे में हम लोग को कुछ स्टैटिस्टिक भी पता होना चाहिए। आई हैव अ आर्टिकल विथ मी, शायद आप सभी बहुत जनों को पता है, जिन जनों को पता नहीं है आप लोग सुन लीजिए, जान लीजिए। होप सो ये जानने के बाद यू विल रियलाइज हाउ मच इम्पॉर्टेंट द अमेज़न इज फॉर अस। सो दोस्तों, जिसको अमेज़न का फॉरेस्ट बोला जाता है, ये दक्षिण अमेरिका का अमेज़न नदी का जो पूरा एरिया है उसमें अवस्थित है। ये इंटायर ये जंगल का साइज है 55 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इतना विशाल जंगल है, ये जंगल इतना बड़ा है, दुनिया का 9 देश में ये फैला हुआ है। इसका 60% है ब्राज़ील में और बाकी 60% है ब्राज़ील में, बाकी 13% है पेरू में, और बाकी के जो अंश है ये है कोलंबिया में, वेनेजुएला में, इक्वेडिया में, बोलीविया में, ये सभी बाकी देश में ये फैला हुआ इतना बड़ा जंगल। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस जंगल में 390 बिलियन ट्रीज है। आप सोच सकते हो 390 बिलियन ट्री का मतलब कितना विशाल विशाल, कितने लाखों करोड़ों पेड़ जो जल रहा है उस जंगल पे। और ये दुनिया का पूरा जो रेन फॉरेस्ट का टोटल अमाउंट है उसका आधा 50% ये अमेज़न का ही फॉरेस्ट है। और इस अमेज़न फॉरेस्ट में 16,000 बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो ऐसे स्पीसीज आते हैं, प्रजाति आते हैं, ऐसे जीव उसको पाया जाता है, मोर देन 16,000। सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ ब्यूटिफुल द जंगल इट इज। ये बायोडाइवर्सिटी के एस्पेक्ट से भी ये कितना खास है। पर गाइस लास्ट 3 से 4 वीक से ये अमेज़न का जंगल जल रहा है। और इस अमेज़न का जंगल में आग लगाने का मकसद क्या है? कोई आग लगाया है, और ये नेचर क्रिएटेड आग है जिसको हम वाइल्ड फायर बोलते हैं। कोई स्पेशलिस्ट ये बोल रहा है देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र के माफिक इस जंगल में आग लगाया गया है, और इस के पीछे उसका गवर्नमेंट का ही कुछ हाथ है। बिकॉज ब्राज़ील का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन लोगों को चाहिए इंडस्ट्री, उन लोगों को चाहिए कंपनी फैक्ट्री खोलना, और इंडस्ट्री कंपनी फैक्ट्री ये सब खोलने के लिए चाहिए उन लोगों को जगह, बहुत ज़्यादा स्पेस। और जगह कैसे मिलेगा? जंगल में आग लगा दो, ऑटोमेटिकली द स्पेसेस विल बी क्रिएटेड। और एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत दिनों से, बहुत सालों से अमेज़न फॉरेस्ट के ऊपर एक जैसे हथौड़ा पड़ रहा है, जंगल को काट दिया जा रहा है फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ ब्राज़ील। पर हम लोग तो भाई इंडिया वाले हैं, हम लोग के साथ हज़ारों किलोमीटर दूर है अमेज़न का फॉरेस्ट, इससे हम लोग का आता जाता क्या है? नो फ्रेंड्स, हम लोग भी अफेक्टेड होने वाले, वी आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस। बिकॉज अमेज़न फॉरेस्ट अगर जल गया, खत्म हो गया तो ट्रस्ट मी गाइस, हम लोग ऐसे ही सफर कर रहे हैं फॉर द बैड पोल्यूटेड एनवायरमेंट, और पोल्यूशन का जो लेवल है और दुगना हो जाएगा फॉर लैक ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट। सो हम लोग को सोचना पड़ेगा। एंड आई एम बिकमिंग सो मच फ्रस्ट्रेटेड जब मैं देखता हूँ हम लोग का इंटरनेशनल मीडिया, इंडिया का जो मीडिया, हम लोग बहुत ही कॉशियस है अबाउट पॉलिटिकल टॉपिक्स एंड ऑल, रिलीजियन टॉपिक एंड ऑल। हर शाम टीवी में, हिंदी चैनल में, इंग्लिश चैनल्स में बहुत डिस्कशन होता है पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, रिलीजियस इश्यूज के ऊपर, बर्निंग ब्रेकिंग न्यूज चला जाता है। बट ये अमेज़न इतना बड़ा इशू है, इसके ऊपर कोई टॉपिक नहीं, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं है। हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉलिटिकल इश्यूज के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं घर से, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग रैली करते हैं, गवर्नमेंट को होश में लाते हैं, प्रेशर क्रिएट करने के लिए बोलते हैं, पर इतना
इतना हम लोग का देश का हम लोग का दुनिया का क्षति हो रहा है, हम लोग का कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हम लोग सिर्फ सोए रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं जस्ट वन थिंग, चलो यार अमेज़न का फॉरेस्ट है, जल रहा है तो जलने दो, मेरा क्या आता जाता है, ये तो मेरा देश का नहीं है। सो गाइज, हर साल ऐसा नहीं है, पहली बार है, हर साल ही ऐसे सूखे के मौसम में अमेज़न का जो फॉरेस्ट में जिसको वाइल्ड फायर दाबानल बोला जाता है लगता है, बस कुछ दिन बाद कुछ घंटे बाद ये बुझ भी जाता है। पर इस बार हिस्ट्री हो गया है, इतना ज़्यादा आग में ऑलरेडी 15% जंगल जलकर राख हो चुका है। सो गाइस, दिस इज अ हाई टाइम बॉस, वी हैव टू वेक अप गाइस, वी हैव टू वेक अप राइट नाउ। मुझको पता नहीं कैसे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, व्हाट इज द राइट वे, बिकॉज मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। मेरे चैनल में आप लोग जो परिवार हो, ऑल आर द फैमिली ऑफ माइंड, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, मुझे लगा थ्रू माई चैनल टू हाईलाइट दिस वीडियो। अगर 10 जन भी अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो 10 जन के ऊपर तो एक अवेयरनेस आ जाएगा। अगर आप लोगों के पास ऐसा आइडिया है, बाहर निकालिए वो आइडिया को, सोचिए क्या कर सकते हो हम लोग, और मेक अ प्रोटेस्ट एंड फोर्स द ब्राजील गवर्नमेंट फॉर टेकिंग एनी एक्शन। सो मुझे पता है इतने दूर बैठकर इतना इजी नहीं है, बट छोटे छोटे कोशिश अगर हम सभी मिलकर करेंगे, एक्यूमुलेट इट विल बी अ बिग इनिशिएटिव। सो गाइज, मुझको पता नहीं कैसे इसका सोल्यूशन है, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ इट, बट इसको हम लोग को करना चाहिए। सो अगर आपके पास भी ऐसे कुछ आइडियाज है कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है, सो डू इट एंड शेयर दिट एंड शेयर द कॉन्सेप्ट विथ अस ऑल्सो। सो गाइज, अमेजन के लिए अगर और भी इंफॉर्मेशन आप लोग के पास है, कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हो। ये वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो है ऑल अबाउट सोशल अवेयरनेस। सो वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, दैट ऑल आई हैव सेड द इन्फॉर्मेशन। सो दिस ऑल, वीडियो को मैं यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो।